भूमि अधिग्रहण संघर्ष समिति के संयोजक मंडल के साथी अमका प्रसाद यादव जी इस सभा को बखूबी संचालित कर रहे हमारे बड़े भाई विक्रांत तिवारी जी, इस मौके पर मौजूद हमारे दल के वरिष्ठ साथी मनोज यादव जी, सारी फतेह जी, रंजीत यादव जी, नागेंद्र मेहता जी और हमारे गार्जियन जिन्होंने इस आंदोलन के लिए मुझे प्रेरित किया, नागेंद्र सिंह जी और अभी मुखिया जी जो बोल रहे थे, मनीष जी, सभी को मैं क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, आदाब सलाम प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी बात एक लाइन से शुरू करना चाहता हूँ, किले मसाले निकल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। बिल लड़े तो कुछ भी मिलता नहीं है ये जनाब, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। तो साथियों, ये जो भूमि अधिग्रहण के नाम पर हमारे पुरखों, हमारे पूर्वजों की जो जमीन, जिसको हम बड़ी मुश्किल से हर एक सुख दुख में उसको बचा करके रखे थे, वो सरकार सड़क बनाने के लिए लेना चाहती है। हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भूमि अधिग्रहण कानून में ये तय किया गया था कि जो जमीन का नेचर है उसको वो राशि 4 गुना मिलेगा, लेकिन किसी को भी 4 गुना नहीं मिल रहा। एक भी व्यक्ति इस भूमि अधिग्रहण के राशि से संतुष्ट नहीं है। कोई संतुष्ट है? और धड़ल्ले से सड़क बनाने का काम जारी है और ऐसा लग रहा है कि ये जो बुलडोजर जो चल रहा है, ये आप हम आवाम किसानों के सीने पे चल रहा है। रो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वैसी बेचैनी लोगों के अंदर है, मेरे पास लोग फोन रोज करके करते हैं कि सर कुछ करूं, विधायक हूं, यही नहीं कि वोटवा देंगे कुछ करूं। आपकी पीड़ा जायज है, तो इसीलिए मैंने आज देश के महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी का दिन को चुना था, उनके जयंती के दिन को चुना था कि आज ही के दिन से ये भूमि अधिग्रहण के खिलाफ हमारा जंग का ऐलान होगा। और जैसा कि हमका चचा और वेंकटेश जी तमाम लोगों के डीए ने फोन करके बुलाया था, ये अपने नहीं गए थे, वार्ता करने के लिए बुलाया था और उन्होंने कहा था ठीक है आम सभा कीजिए, हमारा भी पदाधिकारी आपके कष्ट और समस्या को सुनने के लिए वहां पर रहेगा। लेकिन वो कितना गंभीर है उनके पदाधिकारी, इस बात से साफ पता चल रहा। इसलिए हमारे कॉमरेड साथी गुजर गए जिनका नाम विनोबा जी था, वो एक ही नारा लगाया करते थे डीएम